सारनपुर थाना जनकपुरी थाना प्रभारी लोकेश शर्मा व सर्विलांस प्रभारी मुबारक हसन की टीम ने सोने के नाम पर सराफा व्यापारियों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के तीन साथी ठग परवीन, शुभम व मोहित को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह के सदस्य कच्चा सोना देने के नाम पर सराफा व्यापारियों को ठग लेते थे और सोने की जगह पीतल की टिकिया देकर फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 162 ग्राम सोने की बालियां, 10 ग्राम नथनी, 50 ग्राम सोने की रवा टिक्की, 47 ग्राम सोने के टूटे हुए नगीने बरामद किए हैं। ये लोग इंटरनेट के जरिए गूगल पर सराफा व्यापारियों के नंबर सर्च किया करते थे और उसके बाद उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाकर उन्हें पीतल की सोने जैसी टिकिया देकर उनसे असली सोना लेकर फरार हो जाया करते थे। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, ये सीओसीडी सेकंड भुवनेश्वर मिश्रा के नेतृत्व में एसएचओ जनकपुरी शैलेंद्र शर्मा और सर्विलांस की टीम के द्वारा तीन मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है। प्रवीण वर्मा, शुभम वर्मा और मोहित वर्मा, ये बेसिकली चीटर्स हैं और सराफा मार्केट में चीटिंग करते हैं। ये पीतल धातु में एक एसिड मिलाकर के उसको गोल्ड का रूप देते हैं और उस गोल्ड को, जो रॉ गोल्ड है, उसको बेचते हैं सराफों के साथ, बार्गेनिंग करते हैं। उसके बदले में बालियां जैसी चीज़ें लेते हैं जिसमें प्योरिटी बहुत कम होती है, लगभग 55-56% जैसा इनके द्वारा बताया गया। रॉ गोल्ड जो कि 90% या 95% के शुद्ध बताते हैं, इसको बदले में कोई भी सराफ इनके झांसे में आकर के तैयार माल दे देता है और वो तैयार माल लेकर के ये चपत हो जाते हैं। इस प्रकार की इन्होंने कई वारदातें करी हैं। हमारी नॉलेज में भी तीन वारदात आई हैं, जिसमें से एक जिनका मुकदमा दर्ज है थाना जनकपुरी में, एक कोतवाली थाना की आई है और एक रामपुर थाना की आई है। जो मुकदमा हमारे यहाँ जनकपुरी में दर्ज हुआ था, उसके बाद ही यहाँ मौजूद है। उन्होंने लगभग 350 ग्राम सोने की बालियाँ प्रोवाइड कराई थी, जिसमें से लगभग 270 ग्राम मटेरियल हमारे द्वारा बरामद किया गया है, जिसमें बालियां हैं और रॉ मटेरियल के रूप में 50 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो गलाया गया था उसका वेस्टेज भी बरामद हुआ है।